हाय एवरीवन, फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपना आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया है और आप अपना आयुष्मान कार्ड को बनवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप अपना आयुष्मान कार्ड को बनवाएंगे, इसका क्या प्रोसेस होता है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, फटाफट जान लेते हैं और सीख लेते हैं। तो सबसे पहले सो आप अपने फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर होगा, ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद सो सर्च बार में आपको टाइप करना है आयुष्मान आपके द्वार, उसके बाद आपको सर्च कर देना है, ठीक है। सर्च कर देने के बाद सो पहला पैनल आ जाता है आपके द्वार आयुष्मान, तो दोस्तों आपको पहला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सो आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। इस पेज का सो मैं डायरेक्ट लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे सो लिंक पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको इस पेज तक ड्रैग कर देगा, काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे कोई सा भी एक मोबाइल नंबर आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद दोस्तों नीचे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ जाता है गेट ओटीपी, तो दोस्तों आपको गेट ओटीपी क्लिक कर देना है। जैसे सो गेट ओटीपी क्लिक करते हैं, उसके बाद आपके जो अपने मोबाइल नंबर फिलअप किया उसमें एक ओटीपी चला जाता है। जैसे कि ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ नजर आता होगा ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए ओके नजर आता होगा, ओके पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपने मोबाइल नंबर फिलअप किया उस पर जो ओटीपी जाता है, ओटीपी दोस्तों यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद स्क्रीन पर देख सकते हैं एक कैप्चा कोड नजर आता होगा, सेम कैप्चा कोड दोस्तों यहाँ पे इस बॉक्स में आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद नीचे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा नजर आता है लॉग इन, तो दोस्तों आपको लॉग इन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले आपको चेकआउट करना होगा कि आयुष्मान कार्ड के लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, ठीक है। जब आपका नाम मिल जाता है तब वहां पर आपको फैमिली आईडी नंबर आपको निकालना होगा, उसके बाद दोस्तों आप अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से प्रोसेस में आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से आप अपना फैमिली आईडी नंबर निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सो यहाँ पे स्टेट नेम है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद जो भी आपका स्टेट होगा यहाँ पे स्टेट आप सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम है, तो जो भी है दोस्तों आपका डिस्ट्रिक्ट होगा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक टाइप में आ जाइए, ब्लॉक टाइप में आ जाने के बाद अगर आपका ब्लॉक होगा ब्लॉक सेलेक्ट कीजिएगा, अगर आपका यहाँ पे यूएलबी होगा तो यूएलबी आप सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे ब्लॉक में सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक नेम पे आप क्लिक कीजिए। उसके बाद जिस भी ब्लॉक में आप होंगे वो आप अपना अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे विलेज का नाम आ जाता है, तो यहाँ पे विलेज नेम पे आप क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका विलेज होगा यहाँ पे विलेज आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नजर आता हो सर्च, तो दोस्तों आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। सर्च पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट यहाँ पे खुलकर आ जाता है, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं जो भी दोस्तों आपने यहाँ पे विलेज वगैरह सेलेक्ट किया था उसका कंप्लीट यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल नजर आ जाता है, ठीक है। तो सिंपल सो यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे म्युनिसिपल का नाम नजर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे विलेज और वार्ड का नाम यहाँ नजर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक पीडीएफ फाइल होता है, इसे आपको डाउनलोड करना होगा, उसके बाद आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सिंपल सो इस पीडीएफ फाइल पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, चलिए इसे मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे सो मैं ओपन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ पे लिस्ट नजर आता होगा, ठीक है। जो भी आपका विलेज है उसका दोस्तों विलेज का पूरा लोगों का यहाँ पर लिस्ट नजर आ जाता है, किनका किनका यहाँ पे आयुष्मान कार्ड में लिस्ट है, किनका किनका आयुष्मान कार्ड बना है या नहीं बना, सब कुछ यहाँ पे डिटेल नजर आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए कार्ड क्रिएटेड में नजर आता होगा एनए, ठीक है। जैसे एन यहाँ पे लिखा हुआ जा रहा है, इसका मतलब इस व्यक्ति का यहाँ पे आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, और जिसके सामने यहाँ पे वाई लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब यही होता है कि इनका आयुष्मान कार्ड बन चुका है, ठीक है। तो सिंपल सो इस लिस्ट में आपको अपना नेम खोजना होगा, जो भी आपका नाम होगा इस लिस्ट में आप अपना नाम देख लीजिए। यहाँ दोस्तों काफी सारे लोगों का नाम होने की वजह से आपको काफी सारा परेशानी आ सकता है, लेकिन दोस्तों इसका सबसे इजी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपल सो यहाँ पे ऊपर में देखिए थ्री डॉट लाइन नजर आता है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आ जाइए, नीचे जब आएगा ये यहाँ पे नजर आता है फाइंड, तो दोस्तों आपको फाइंड पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये प्रोसेस आप अपना मोबाइल फोन में अगर ओपन किए हुए तो वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सो स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे मैं सनी कुमार नाम फिलअप किया हूँ, उसके बाद सनी कुमार का नाम इस लिस्ट में से फाइंड आउट करके ले आता है, ठीक है। नाम के सामने देख सकते हैं ग्रीन कलर यहाँ पे नजर आता होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इजी वे में अपना नाम इस लिस्ट में से निकाल सकते हैं। अगर सो वन बाय वन करके अगर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो दोस्तों आपको काफी यहाँ पे टाइम लग जाएगा, काफी लेंदी हो जाता है, क्योंकि दोस्तों आपके विलेज के जितने भी लोगों का आयुष्मान कार्ड के लिस्ट में नाम होता है वो सभी लोगों का यहाँ पे नाम दिख जाता है। लेकिन दोस्तों जो मैं आपको तरीका बताया वहां से इजी में पता कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनल सो यहाँ से आपने नाम पता कर लिया, नाम पता कर लेने के बाद सो यहाँ पे आपको कार्ड क्रेडिट में आप एक बार चेकआउट कर लीजिए, और यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ नजर आ जाएगा एनए, ठीक है। एनए का मतलब होता है कि अभी तक आपका आयुष्मान कार्ड बना हुआ नहीं है, केवल आपका आयुष्मान कार्ड का लिस्ट में है, ठीक है। आप इजी वे में आप अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, ठीक है। अब बनवाने का क्या प्रोसेस था वो मैं आपको समझा देता हूँ। उससे पहले सो यहाँ पे जो भी आपका फादर्स नेम होता है वो देख सकते हैं यहाँ पे नजर आ जाता है, उसके बाद आपका मदर्स नेम भी यहाँ पर नजर आ जाता है।
जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे मेन चीज यहाँ पे जो करना था, पहला तो आपका नाम तो लिस्ट में है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो सबसे मेन पार्ट है वो दोस्तों फैमिली आईडी, यहाँ पे देख सकते हैं फैमिली आईडी, फैमिली आईडी के माध्यम से ही दोस्तों आप अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो भी आपके पास आपका जो फैमिली आईडी नंबर है उसे आपको नोट कर लेना है, या तो फिर यहाँ से आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक है, केवल दोस्तों यहाँ पे आपको फैमिली आईडी नंबर को ही लेना है। ठीक है, उसके बाद आप बनवा सकते हैं, आगे का जो प्रोसेस होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, सिंपल सो फैमिली आईडी नंबर लेने के बाद आप दो काम कर सकते हैं। पहला तो जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में सरकारी हॉस्पिटल होता है जिसे सदर हॉस्पिटल कहते हैं, वहां पर जाकर के आप अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। केवल दोस्तों आपको वहां पे फैमिली आईडी नंबर देना है, उसके दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका आयुष्मान कार्ड बनवा दिया जाएगा। ठीक है, या तो फिर दोस्तों जो भी आपके नजदीक में सीएसएस सेंटर होता है वहां पर भी दोस्तों जाकर के आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, लेकिन दोस्तों वहां पे आपसे कुछ पैसा चार्ज किया जाएगा। ठीक है, दो ही तरीका है, दोनों में से कोई भी आप अपना लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट की बात करता हूँ। डॉक्यूमेंट दोस्तों सबसे पहला जो फैमिली आईडी नंबर है वो अपने साथ ले लीजिएगा, आधार कार्ड का फोटो कॉपी ले लेना है, जो आपका फैमिली आईडी नंबर है वो लेकर के आप जो भी नजदीकी में आपका डिस्ट्रिक्ट में सदर हॉस्पिटल होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा, वहां पर चले जाइए, या तो फिर सीएससी सेंटर पर चले जाइए। ठीक है, उसके बाद आपका आयुष्मान कार्ड बनवा दिया जाएगा। ठीक है, जनरेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया हूँ किस प्रकार से अपना आयुष्मान कार्ड को बनवा सकते हैं, इसका क्या प्रोसेस अभी फिलहाल वो मैंने आपको जानकारी दे दिया हूँ। तो आशा करता हूं जो भी मैंने आपको जानकारी दी हूँ सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। वीडियो भी आपको अच्छा लगा हो, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं, इस प्रकार से वीडियो पाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन मिलता होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। बेल घंटी भी दोस्तों आप लोगों को प्रेस कर देना है ताकि आने वाला हर नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।